हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेल सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स ऑब्वियसली स्टार्ट विद द व्लॉग। तो अभी आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द शावर एंड बाहर आने के बाद वापस पढ़ने बैठ गया। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा मुंबई का निखिल देख रहा था, थोड़ा ब्रैंडन हार्ड बॉडी देख रहा था, हार्ड बॉडी मतलब हार्डिंग देख रहा था, उसके कंपनी का नाम हार्ड बॉडी है। सो या वो देख रहा था एंड सडनली आई रिमेम्बर्ड कि आई स्टिल हैवंट एक्सप्लेन्ड कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कल क्या हुआ। सो आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज इन डिटेल नाउ। ओके सो फ्यू डेज बैक आई मेड दिस रील राइट हियर एंड वो रील डालने के बाद वो रील मैंने स्टोरी पे डाला एंड इंस्टाग्राम गेव मी अ नोटिफिकेशन दैट यू आर पोस्टिंग न्यूडिटी एंड वायलेंस ऑन योर अकाउंट। तो मैंने देखा कि दिस कंटेन्स नो न्यूडिटी नॉर डज इट कंटेन एनी वायलेंस, मतलब कुछ नहीं था यार, इट वॉज जस्ट मी वॉकिंग एंड क्या मालूम न्यूडिटी वायलेंस किसने रिपोर्ट आई डोंट नो, बट या दैट हैपेंड एंड आई वॉज लाइक ओके कूल। इंस्टाग्राम डिलीटेड माई स्टोरी, मैंने वो वापस स्टोरी पर डाल दिया, उसके बाद देर वॉज नो इशू। सो देन लेटर ऑन आई वॉज जस्ट मैं खुद का यूट्यूब का कमेंट्स पढ़ रहा था एंड समबडी सेड ब्रो तूने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट क्यों किया। तो मैंने देखा वैसा का वैसा तो है, डिलीट किधर किया है। आई वॉज लाइक यू आर जोकिंग ऐसा। उसने बोला नहीं नहीं सच्ची दूसरे अकाउंट से जाके देख। आई वॉज लाइक कूल। देन मैंने अपने दोस्त को बोला वृंद कि तू जाके अपने फ़ोन से चेक कर इफ़ माई अकाउंट इज स्टिल देयर। सो ही वॉजंट एबल टू फाइंड माई अकाउंट। ही सेड कि तेरा रोज़ आजकल रील भी नहीं दिख रहा है पिछले 3-4 दिन से एंड देर हैव बीन सच इशूज एंड कमेंट करने के टाइम भी इशू हो रहा है। आई वॉज लाइक कूल कूल कूल। मैंने फिर मेरा एक दूसरा अकाउंट है मतलब प्राइवेट है, उस पर से मैंने जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। सो आई कुडंट फाइंड माई ओन अकाउंट। तो आई वॉज लाइक ओके समथिंग इज रॉन्ग। लेटर ऑन मैंने बस ऐसे ही थोड़े लोगों को बोला दैट समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड एंड ऑल दैट। सो मैंने इंस्टाग्राम को भी वापस डाला कि यू गाइज हैव डन दिस विथ माई अकाउंट एंड समथिंग लाइक दैट। दोज गाइज हैवंट रिप्लाइड येट एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट थोड़े दिनों के लिए, अगले 14-30 days के लिए मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी अगर पोस्ट करूंगा तो वो नए ऑडियंस को नहीं दिखेगा, विच इज़ अ बिग इशू बिकॉज खुद का ऑडियंस को भी इतना नहीं दिखता तो जितना नए ऑडियंस को दिखना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली। सो या फॉर द पास्ट फ्यू डेज लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने देखा लाइक्स भी नहीं आ रहे, व्यूज भी नहीं आ रहे एंड आई वाजंट श्योर, मुझे मालूम नहीं था तभी तो शैडो बैन हुआ होगा। सो दैट्स द इशू एंड तो अगले थोड़े दिन के लिए नाउ फॉर द नेक्स्ट 14-30 days ना मेरे रील को कोई व्यूज मिलेगा, आउटसाइड व्यूज नहीं मिलेंगे, मतलब जितने फॉलोअर देखेंगे दैट्स ऑल। सो या विच इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। प्लस वेन एवर एनीबडी सर्चेज माई अकाउंट they won't be able to find my account unless they type the entire name that is Arya_Sohoni. So मैंने तब तक के लिए एक सेकेंड बैकअप अकाउंट बना रखा है। If this account के साथ कोई इशू होता है तो मैंने सब जान पहचान वाले लोगों को मुझे फॉलो करने बोला है। मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा Arya_Sohoni2 एंड मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट का भी डाल दूंगा। होप एवरीथिंग गोज राइट विथ माई अकाउंट आफ्टर दिस एंड लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो थोड़े दिन पहले मैंने व्लॉग में बोल दिया कि मुंबई में द वेदर इज नाउ सडनली प्लेजेंट एंड मैंने वो बोला एंड आई गेस आई जिंक्स्ड एवरीथिंग बिकॉज मुंबई में अगेन वो शाम के बाद एवरीथिंग हैज गॉटन सो डैम हॉट इंक्लूडिंग मी। सो या सुबह के 11 बजे एंड मैंने अभी एसी भी ऑन किया। सो थोड़ा इशू हो रहा है बट अदर देन दैट थिंग्स आर वर्किंग आउट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं यूट्यूब पे मजा आ रहा है मुझे बनाने को, सो आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स लेटली एंड अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। सो आई विल गेट बैक टू स्टडिंग, एंजॉय सम शॉट्स ऑफ मी स्टडिंग आई गेस। सुबह से चिकन विकन ब्रेड खाया एंड होप मेरा इंस्टाग्राम का ठीक हो जाए बिकॉज आई एम डैम इरिटेटेड कि मुझे मैंने ऑलरेडी 3 दिन हो गया ऑलमोस्ट एंड रील नहीं डाला एंड आई हैवंट एवर गॉन लाइक मोर देन 2 days विदाउट पोस्टिंग अ रील। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई प्रोबेबली वोंट बी पोस्टिंग फॉर अनदर 3-4 days ऑन इंस्टाग्राम बट लेट्स सी क्या होता है। कूल। ऑल्सो अनदर इशू इज दैट मैंने ये जो मेरा अकाउंट है Arya_Sohoni इस पे ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा से मेहनत किया है एंड आई हैव ग्रोन टू वॉट एवर इट इज नाउ। So that's the issue, yaar. Because if anything happens with this account, then I have to do again the entire thing. Although this time I'd be doing it with a bit of experience, but still I have to do entire thing again, which is thoda sa problematic. But I guess I'll manage. Let's see kya hota hai. Ye Instagram account theek ho jaye, yaar. And I hope I start getting views again, because yeah, I have to make it big. Come on, let's go. Didn't start to quit or something. So cool. आफ्टर एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज क्या हो रहा था सब एग्जाम अकाउंट के साथ, मैं पढ़ाई करने बैठ गया, उसके बाद अभी लंच कर रहा हूँ, राजमा,
थोड़ा सा कर्ड लिया था, राइस ख़त्म कर दिया मैंने पूरा इतना, एंड राजमा इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड थोड़ा मिस्टर बीस्ट गेमिंग देख रहा हूँ. सो बस इतना ही बताना था. अभी लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग. आज का व्लॉग सिर्फ उतना ही नहीं होने वाला था, इंस्टाग्राम के साथ बताने वाला और पूरा बड़ा व्लॉग बनने वाला है. सो या हैविंग लंच करेंटली. लंच इज़ अमेजिंग. चिकन खाया सुबह से, चिकन खाया एंड अभी राजमा खा रहा हूँ. आज का प्रोटीन गोल इट करने के लिए एग्स और प्रोटीन शेक पीना बाकी है एंड मिल्क, बट कर लेंगे. चलो कूल, लेट्स गो. किसको लगा था इतना तीखा राजमा चावल एंड क्या बोलते हैं, मुंबई का हीट विल मेक यू स्वेट सो मच. थोड़ा थोड़ा शर्ट भीगने लग गया है एंड इधर इधर भी पसीना आ गया है, बट आई हैड अ टन ऑफ फन ईटिंग इट. मज़ा आ गया. कितना ग्राम था नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम. इतने बड़े वाले बोल में लिया, दो बार लिया एंड खा लिया एंड इट वॉज अमेजिंग. ऑल्सो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरे घर पे कभी कोई दिखता क्यों नहीं है, लाइक जब भी मैं घर के शॉट्स लेता हूँ तो किसी का आवाज़ नहीं आता, कुछ नहीं आता. दैट इज़ बिकॉज मैं पूरा दिन घर पे अकेला रहता हूँ. हाँ, कोई रहता नहीं है घर पे, मतलब मेरी मॉम मुंबई में नहीं रहती एंड डैड गोज़ टू वर्क, तो पूरा दिन अकेला रहता हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई मेरे घर पे कोई दिखता नहीं है, बहुत लोगों ने पूछा तो. हाँ, और ये मेरा प्रोटीन का, प्रोटीन क्रिएटिन प्री वर्कआउट BCAA मेरा नहीं है, डैड को पसंद है लेना, एंड ये शेकर, ये तो तीन ही है. मेरे को हर प्रोटीन के डब्बे के साथ वो एक प्रोटीन का शेकर फ्री देता है. बट आई एम स्वेटिंग अ लॉट मैन डैम. पीने के बाद, पीने नहीं खाने के बाद. देखो दिख रहा है कि नहीं मालूम, नहीं मालूम, बट कूल. चलो लेट्स गो. किधर जाना है मालूम नहीं, बट लेट्स गो. ओके, लीविंग फॉर द जिम नाउ. एंड मैंने आज ड्राई फिट मटेरियल का नहीं पहना, बिकॉज व्हेन आई वेयर दैट ना तो वो बार, आज स्क्वाट मारना है एंड वो बार ना थोड़ा थोड़ा रोल होता है, तो मेरे पास चॉक नहीं है जिम में, सो इट फील्स अ बिट वियर्ड, इसलिए ये कॉटन पहना. एंड लीविंग फॉर द जिम. मैं जिम के ज़्यादा शॉट्स नहीं डालूंगा, बिकॉज आई हैव फाउंड आउट दैट मेनी पीपल डोंट एन्जॉय व्हेन आई पुट द जिम शॉट्स, एंड वो टाइम पे चैनल का व्यू नीचे जाता है एंड वापस मैं जब जिम से बाहर आता हूँ तो चैनल का व्यू ऊपर जाता है. इट्स अ बिट वियर्ड, बट या थोड़ा थोड़ा डालूंगा एंड लेट्स गो टू द जिम. ये देखो कुत्ता आया मिलने को, एक वरुण तू आ गया देख मिलने को. एनीवेज लेट्स गो, लेट्स गो, मज़ा आएगा. अभी साइकिल के शॉट्स नहीं दिखाऊंगा वरना रिपीटेटिव हो जाएगा एकदम, बट कूल, लेट्स गो. तो मेरे घर के यार देयर इज दिस नेबरहुड, ऐसे तीन चार लेन है, ये एक ही लेन है एंड डैम पीसफुल प्लेस यार, डैम पीसफुल. मतलब इसके आगे वाले साइड पूरा कमोशन, पीछे वाले साइड पूरा कमोशन, बट दिस एरिया इज डैम पीसफुल. सो देखा वो लड़का कैसे देख रहा था, मस्त. दोज़ हू लिव हियर दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट या दिस प्लेस इज डैम पीसफुल यार. सब बंगलोज बंगलोज है ये पूरे एरिया में एंड इट्स ग्रेट. आवाज़ नहीं अभी वो रोड के बाद, ऐसे तीन रोड है साइड साइड में, अभी वो रोड के बाद वापस आवाज़ चालू हो जाएगा. वो आंटी जा रही है वो, बट या ये कुत्ते के बाद आवाज़ चालू, बट स्टिल डैम पीसफुल प्लेस. गाइस जस्ट रन इनटू राहुल. मैंने पहले ही इसको बाहर ही जिम के बाहर मिला था, जिम के बिल्डिंग के बाहर पहले ही पूछ लिया. स्क्वाट ट्रैक नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, मैं करूँ ना स्क्वाट, इसलिए हम लोग क्या है थोड़ा जल्दी आते हैं. हम लोग ही रहते ना जिम में पहले, हम लोग थोड़ा जल्दी आते हैं ताकि क्या है ऐसा जिम में कम लोग रहते हैं फिर वर्कआउट करने मिलता है, वरना भीड़ बढ़ जाता है बाद में और वैसे भी मज़ा नहीं आ रहा है आजकल जिम में. बट एनीवेज तो इसको स्क्वाट ट्रैक नहीं चाहिए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अच्छे से. तो चलो आज चार सेट स्क्वाटिंग का है एंड ये सोहम का स्पेलिंग देखो इधर लिखा है, सोहम SOHUM, सोहम का स्पेलिंग SOHAM रहता है, बट एनीवेज चलो कुछ भी चलो. हंस रहा है. कूल कूल, लेट्स गो टू द जिम. अभी लिफ्ट आएगा, थोड़े शॉर्ट्स एंजॉय करो जिम के एंड देन उसके बाद डायरेक्टली जिम के बाद मिलते हैं. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.
need to be strong every breath of, cause I can't move on till I let go. Just got done with the workout. Pretty good workout actually. I didn't shoot a lot, बहुत कम shoot किया मैंने. But pretty good workout. Had a ton of fun. Squats went well today after a long time. For those who don't know, मैं पहले high bar squat मारता था. But after that back thing, जो अभी भी चालू है, I have switched to low bar squatting. So so they went well too. And I had a ton of fun यार actually today. मतलब मेरे मुंह से मालूम पड़ रहा है बिकॉज आई एम सो टायर्ड. आई हैड अ टन ऑफ फन. वरना अगर एनर्जेटिक रहता था तो ट्रस्ट मी वर्कआउट्स डिडंट गो वेल. सो हैड फन. एंड वापस बोलूंगा द वेदर इज प्रीटी प्रेजेंट टुडे. बट आज सुबह वो दिन बोला प्लेजेंट वेदर है एंड उसके बाद आपने देखा क्या हुआ. सो अगेन इफ आई से प्लेजेंट वेदर तो समझ लेना कि अगले एक दो दिन में मुंबई का वेदर वापस खराब होने वाला है. एंड आई होप इट स्टार्ट्स रेनिंग. आई हेट द रेन्स. दोज़ हू डोंट नो दिस अबाउट मी, या यू डोंट, बट आई हेट द रेन्स यार. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. वो किच किच होता है, सब खराब होता है. साइकिल से किधर जा नहीं सकते. इट्स डैम इरिटेटिंग. बट स्टिल आई होप इट रेन्स बिकॉज वी नीड रेन्स, डोंट वी. एंड मैं कुछ भी बड़बड़े जा रहा हूँ, मुझे मैंने अभी रियलाइज किया. सो आई जस्ट से हैड अ प्रीटी गुड वर्कआउट. देखते हैं आगे के दिन में क्या होता है. लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. कोई तो आएगा और ऑकवर्ड हो जाएगा, उससे अच्छा मैं इधर क्लिप खत्म करता हूँ. कौन मिल गया? हेलो, हाय बोल ब्लॉगला. हे ब्रो, चल बाय. भेटू भेटू मतलब मराठी में मिलते हैं को भेटू बोलते हैं. चलो ओके गाइस, इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एज इन 9th जून की सुबह. एंड मैंने कल कुछ ब्लॉग किया ही नहीं बिकॉज आई वॉज जस्ट बोर्ड एंड कुछ था ही नहीं. मतलब दैट इज वॉट माई एवरेज डे लुक्स लाइक. सुबह टाइम पास करो, जिम जाओ, शाम को आओ, वापस जस्ट सिट अराउंड. सो या आई डोंट ब्लॉग एनीथिंग एल्स. बट या यस्टरडे वॉज अ ग्रेट डे. वर्कआउट एंड हेल्थ. एंड ऑल्सो कल 12th वालों का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र बोर्ड के 12th वालों का. सो कंग्रेट्स ऑल ऑफ यू. मेरा रिजल्ट को टाइम है, जुलाई में आएगा. सो या होप इट गोज ग्रेट. And cool, let's see what happens. And I guess I'll end the vlog here because I don't have anything else. Ye dekho, Akshay Kumar ka ad hai. Home loan rates moving up, not for you. 6.99% fixed till 2024. Ye kya kar rahe hai ek dusre ko? Maar rahe hai kya piche se? Achha, baithe. Cool. The best gift is a home. Loda Aqua. Aqua nahi, Aqua to mere idhar hai. Loda. कुल. ये देखो आलिया भट्ट. मुझे तो पूरा वीको टर्मरिक का गाना भी रट्टा हो गया अभी. एनीवेज, आई एंड द व्लॉग हियर. द व्लॉग इज ओवर एंड बाय. सो किसी ने अगर ये सम्राट पृथ्वीराज देखी रहेगी तो मुझे बताना कैसी है. आई एम प्लानिंग टू वॉच इट, हैवंट डिसाइडेड येट. बट किसी ने अगर देखी रहेगी तो बताना. कूल, कमेंट सेक्शन में बता देना. डैम यार, लुक एट द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड टू टेक पिक्चर्स लाइक दिस व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. Hats off to her यार. बाकी कुछ भी बोलो, nepotism and all, but that's some next level confidence. Cool.